गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. प्लेन, अरे वो प्लेन नहीं है ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कुछ ऐसा. ओके, तो कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर के वही है जो अपने पुराने थे, चैप्टर नंबर 3 में थे. डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना. तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस चैप्टर नंबर 4, उसमें अपना स्टार्ट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का. ओके, तो वो बाद में स्टार्ट करते हैं हम, है ना. अभी जो कॉन्सेप्ट के बेस वापस न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, तो उसको वापस यहीं पे सॉल्व करें. ओके, तो वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. ओके, तो उसमें पहले करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 11 और उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 9. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 9 एंड एक्सरसाइज नंबर 11. ओके, तो एकदम इजी है. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 11, अ पैसेंजर विशेष टू गो स्टेशन टू होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन स्ट्रेट रोड. एक पैसेंजर है, वो स्टेशन पे खड़ा है और उसका विश है कि ही वॉन्ट्स टू गो टू होटल विच इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन. ओके, तो उसको कितना खिसकना है, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 10 किलोमीटर ओनली. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 किलोमीटर. ओके, दूसरा, अ डिसऑनेस्ट कैब ड्राइवर, एक लुच्चा कैब ड्राइवर है, है ना, बट वो उसको घुमा घुमा के सर्किटस पाथ पे लेके जा रहा है. कितना किलोमीटर उसको सर्किटस पाथ पे लेके गया, 23 किलोमीटर. सो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज पाथ लेंथ. ओके, पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ दैट इज 23 किलोमीटर. ओके, और कितने टाइम में, तो दैट इज इन 28 मिनट. तो टाइम इज इक्वल टू 28 मिनट. ओके, तो क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड आर दी टू इक्वल, ऐसे 3 क्वेश्चन. ओके, तो वो तो एक एक लाइन में फाइंड हो जाएंगे. चलो एवरेज स्पीड, अच्छा स्पीड वेलोसिटी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. ओके, तो हाँ ये किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर में, ये मिनट में, तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, है ना. तो 1 आवर में 60 मिनट, तो आवर से मिनट में जाना हो तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे मिनट टू आवर में जाना है तो 60 डिवाइड होगा, 28 डिवाइड बाई 60, तो एवरेज स्पीड टाइम, बट स्पीड है तो वो डिस्टेंस आएगा पाथ लेंथ अपॉन टाइम. ओके, चलो पाथ लेंथ कितना है यहाँ पे, तो 23 किलोमीटर का सर्किटस पाथ, और उसके लिए टाइम कितना है, तो 28 डिवाइड बाय 60. ओके, तो 23 × 60 डिवाइड बाय 28. ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 23 × 60 डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 49.28 समथिंग, दैट इज किलोमीटर पर आवर. क्लियर हो गया एवरेज स्पीड. ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो एवरेज
वेलोसिटी. ओके वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर कितना है, तो स्टेशन से पटर तक वो स्ट्रेट रोड 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 टू 28 डिवाइड बाय 60. सो इट विल बी 60 इंटू 10 डिवाइड बाय 28. ओके तो इसका कितना आंसर आएगा, 600 डिवाइडेड बाय 28 यू विल हैव 21.42 किलोमीटर पर आवर, दैट इज एवरेज वेलोसिटी. आर दी टू इक्वल, देखो इक्वल है ना, अरे कहा है, एक 49 है और एक 21 है, तो दीज आर नॉट टू इक्वल. नो हियर बोथ आंसर्स आर नॉट इक्वल. बोलो क्लियर, समझ में आ गया ये? ओके चलो अभी एक्सरसाइज नंबर 9 को सॉल्व करेंगे. ओके तो अभी एक्सरसाइज नंबर 9 को सॉल्व करेंगे. ओके तो एक्सरसाइज नंबर 9 में हमारे पास एक छोटा डायग्राम है, कुछ ऐसे सर्कल यहां पे पॉइंट ओ है, यहां पे पॉइंट पी है, यहां पे पॉइंट क्यू है, ऐसे कुछ दिया गया है. ओके वो तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि ये क्या है. ओके तो अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर. अच्छा एक साइक्लिस्ट है वो उसका मोशन यहां पे सेंटर ऑफ पार्क उसे स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो सर्कुलर पाथ जो है उसका रेडियस यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से यहां तक कैपिटल आर, ये रेडियस आपको दिया गया हुआ है कितना, 1 किलोमीटर. ओके तो कहां से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है वो, ओ से एंड रीचेस टू एच पी. तो ओ से स्टार्ट कर से यहां पे एच पी पे पहुंच रहा है ऑफ पार्क, देन साइकल्स अलोंग सर्कमफरेंस एंड रिटर्न्स टू सेंटर अलोंग क्यू को एज शोन इन फिगर. मतलब वो ओ से शुरू कर से करके पी तक गया पॉइंट पी. अच्छा वो एच से शुरू करके सर्कमफरेंस, ये सर्कमफरेंस है पूरा. ओके और यहां से क्यू से ओ रिटर्न हो जाता है. सो क्यू से ओ पाथ से रिटर्न हो रहा है ओ पे. सो फाइन स्टार्ट कहां से किया था, ओ से. फाइनली कहां से कहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वापिस वहीं पे आ गया. ओके तो इतने से इतना डिस्टेंस तो रेडियस है, इतना भी डिस्टेंस रेडियस है, बट इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क. और आर्क वो हमने चैप्टर नंबर 2 में समझा था, एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस है ना. तो एंगल यहां पे कितना बना है, तो यहां पे एंगल आपके पास कितना है, तो ये 90 डिग्री है आर्क का, और 90 डिग्री का रेडियन में दैट इज पाई बाय 2 रेडियन. ये हम आपने समझा ना, डिग्री का रेडियन में पाई बाय 1 ये की मल्टीप्लाई करते हैं है ना. ओके तो एंगल पाई बाय 2 इनटू रेडियस दैट इज हाफ. ओके तो इस क्वेश्चन के लिए और एक क्या है, तो इफ राउंड टिप टेक्स 10 मिनट. ओके तो टाइम आपको दिया गया हुआ है टी,
दैट इज 10 मिनट, उसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 10/60 है ना आवर, सो इट विल बी 1/6 आवर। ओके, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन। ए, नेट डिस्प्लेसमेंट, बोलो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो साइक्लिस्ट ने जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, ओ से, घूम के वापस कहां पे आ गया, ओ, सो डिस्प्लेसमेंट नो चेंज इन पोजीशन हियर है ना, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो कैसे लिखेंगे, तो हियर फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ साइक्लिस्ट इज सेम है ना, सो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। बोलो क्लियर, डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है 0। ओके, क्वेश्चन बी, क्या है क्वेश्चन बी देखो, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट यहां पर ऊपर कितना फाइंड किया 0, टाइम 1/6, इट विल बी 0 किलोमीटर पर आवर, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी होगा, आंसर 0 ही आएगा। ओके, और क्वेश्चन सी, उसमें क्या फाइंड करना है देखो, एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड, अच्छा स्पीड दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सॉरी पाथ लेंथ अपॉन टाइम। ओके, यहां पे पाथ लेंथ पे देखिए कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, तो पहले ओ से पी, फिर आर्क पी क्यू, पी से क्यू, और फिर क्यू से ओ है ना, और डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज टी। ओके, तो ओपी का वैल्यू कितना है आर, प्लस आर्क का वैल्यू कितना है पाई आर बाय 2 डिवाइडेड प्लस आर, क्यू का वैल्यू और डिवाइडेड बाय टाइम टी। ओके, चलो तो यहां से वैल्यू को डाउन करेंगे। ओके, तो 1 प्लस पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 हो गया ये, प्लस 1 डिवाइडेड बाय टाइम 1/6। ओके, चलो तो 1 प्लस 3.14 डिवाइड बाय 2 1.57 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/6। ओके, तो ये कितना होगा 3.57 इंटू 6 होगा है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 21.42 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया न्यूमेरिकल, ऑल क्लियर, दीज आर 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ अवर चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 11 एंड एक्सरसाइज नंबर 9। क्लियर हो जाएगा अपने आप से। ओके, थैंक यू।